हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसपे बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन नंबर 8.1। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इन द फिगर 8.5 शोज अ कैपेसिटर मेड अप टू सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अपने पास देखिए दो कैपेसिटर प्लेट हैं, 12 सेंटीमीटर सबकी रेडियस दे रखी है और उनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कह रहा है कि द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर, द चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। मतलब इसमें करंट बह रहा भैया 0.15 एम्पियर का, जिससे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सही बात है। चलो तो क्या रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, सबसे पहले अपने को कैपेसिटेंस निकालना है यार। ठीक है, तो जो जो दे रखा सबसे पहले लिख लो। तो अपने को क्या दे रखा है सर, रेडियस दे रखा 12 सेंटीमीटर और डी दे रखा 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दे दिया बीच में कितना है 5 सेंटीमीटर। तो भाई कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, दो प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है सर, ये होता है सी इज इक्वल टू सर एप्सिलॉन नॉट ए भाग में टी। बात आती है ए की, ए क्या होगा भाई, ए होगा अपना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो और रेडियस अपने पास 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 × 10⁻²⁺ मीटर में रखेंगे तो क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3.14 × 12 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 × 10⁻⁴। क्लियर, अब 144 में 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 144 × 3.14 मल्टीप्लाई कर दिया भाई तो ये आ गया अपने पास 452.16 और इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.0452। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आ गया अपने पास एरिया। ठीक है भाई, चल अब एरिया निकल गया। अब अपने को चाहिए सर क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे सर, वैल्यू रख देंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻½ इंटू एरिया हो गया अपने पास 0.0452 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 × 10⁻²⁺ मीटर। क्लियर, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 8.85 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और फिर 5 से डिवाइड भी कर दिया हमने। ठीक है, तो आज आ गया बच्चों कितना, ये सर आ गया हमारे पास 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 80 यानी आ गया बच्चों ये 80 पीको फैराड। कितना आ गया बच्चों ये 80 पीको फैराड आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाती है 80 पीको फैराड। चलो भाई अच्छी बात है, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और किस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है वो बताना है। तो भाई आप सभी को पता है सर क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, अपने को चाहिए डी वी अपॉन में डी टी, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो हो जाएगा भाई डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू सी द कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी। सही बात है क्या सर, बिल्कुल सही बात है, डी वी अपॉन में डी टी हमसे पूछ रखा है तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो हो जाएगा सर डी क्यू अपॉन में डी टी क्या होता है करंट। ठीक है, तो हो जाएगा करंट अपॉन में सी। अब करंट कितना है सर, करंट अपने को दे दिया सर 0.15 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया अपने पास 0.15 एम्पियर डिवाइड बाई सी, सी कितना बच्चे अपने पास 80 पीको फैराड यानी 80 × 10⁻²⁰ फैराड। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। ठीक है, करंट देखिए कितना दे रखा है 0.15 एम्पीयर, चलो अच्छी बात है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 0.15 / 80 कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.15 / 80 कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.0 या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.875 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा बच्चों 9 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पर सेकेंड, तो इस हिसाब से इस रेट से बच्चों इसका वोल्टेज चेंज हो जा रहा है। ठीक है, चले ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। कह रहे कि ऑब्टेंड डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा भाई, जितना करंट आ रहा होगा जितना करंट सप्लाई हो रहा होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा 0.15 एम्पीयर के बराबर। उसके बाद कह रहा है कि इच किरचॉफ फर्स्ट रूल जो कि जंक्शन रूल है वैलिड एट इच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या कैपेसिटर से कैपेसिटर के हर एक प्लेट में किरचॉफ जंक्शन रूल वैलिड है सर, बिल्कुल वैलिड है। क्यों, क्योंकि भाई जितना करंट आ रहा है उतना करंट इससे डिफ्यूज होकर चला जा रहा है, डिफ्यूजन करंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा,
भाई जितना करंट आ रहा है जितना उतना करंट चला जा रहा है, यानी किरचॉफ जंक्शन लॉ वैलिड है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ इसका सोल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय।